आ जाएगा, लेकिन मैं इसको खुद को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ गई। मैं समझ गया था पहाड़ी को पर लेके गया तो कुछ गलत ही करेगा ये, तो इसने तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, ये मेरा पबजी का पहला वीडियो है और मैं आता हूँ स्कूल, उतरता हूँ और मुझे मिल जाती है टॉमी गन। और यहाँ पे मेरे ऊपर ही दो बंदे लैंड करते हैं, मेरे मुंह पे ही आ जाते हैं, जिनको देख मेरी फटके हो जाती है। एक तो आके देखो लेट गया तो उसको मैं निपटा देता हूँ, लेकिन मेरी गलती थी। दूसरे वाले को डैमेज देता हूँ लेकिन ये नीचे कूद जाता है और मेरी फटके छः हो जाती है। चार तो उतरते से हुई थी, फिर मैं इसको फिनिश करता हूँ, थोड़ी रात की सांस लेता हूँ, अंदर आता हूँ। हीलिंग तो थी नहीं तो पेन कलर ही चबा लेता हूँ। तय में मुझे एक खुशी मिलती है, मेरा जो टीममेट है वो लुढ़का देता है इसके दूसरे वाले प्लेयर को, लेकिन थोड़ा अफसोस भी था कि मैं उसे नहीं मार पाया। फिर मैं थोड़ी लूट करता हूँ, अच्छे से लूटता हूँ। यहाँ पे कुछ बंदे इधर उतरे थे जो टुचुक टुचुक कर रहे थे, तो मैं आता हूँ जरा इनको चटकाने के लिए। पता नहीं था मुझे बंदे की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है, तो मैं सीधे नीचे आता हूँ। मुझे इधर से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी तो मुझे सामने बंदा दिखता है, तो इसको लुढ़काता हूँ। ये बोट को मार रहा था तो इसको तो मैंने आराम से बोट के जैसे ही इसको मार दिया टुचुक टुचुक करके। जैसे ही गाइस इसको फिनिश करता हूँ तो एक बंदा मेरे मुंह पे कूदता है, ये सोचता है कि ये मर के नीचे तो एक थर्ड पार्टी करने आता है, तो मैं इसको निपटाता हूँ। और इसको इसने डैमेज किया तो मैं हाथों हाथ फिनिश भी कर देता हूँ, फिर अंदर आके हीलिंग करता हूँ। इतने में मुझे सामने वाले बिल्डिंग से जो फुस्ते पा जाते हैं, इसलिए मैं अंदर आ जाता हूँ, पहले हीलिंग करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ चट्टान। इतने में देखता हूँ दूसरे मेरे टीममेट ने एक को निपटा दिया है, सामने मुझे बंदा दिख रहा है उसको मैं फिनिश करता हूँ। और जो मुझे फुस्ते पा रहे थे सामने पास वाली बिल्डिंग से, मैं इधर आता हूँ, इसका टीममेट शायद उधर ही था। ये देखो मुझे दिखा थोड़ा सा, ये इधर आया, ये इधर आया, फिनिश किया मैंने इजीली, इसकी एक गोली भी मुझे नहीं लग पाई। इस स्कूल के बाद मैंने इधर का इलाका पूरा खाली कर दिया था और थोड़ा सा लूट चाहिए थी मुझे, तो मैं इनको लूटता हूँ। इतने में मुझे थोड़ी मेरा टीममेट होता है सारी से लूट लेता है, मुझे कुछ लूट गोलियाँ भी नहीं मिल पाती, लेकिन फिर मैं तो सोचता हूँ चलो यहाँ से थोड़ा सा लूट मिल ही गई है तो आगे बढ़ता हूँ। और जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक बग्घी आ जाती है, बग्घी के मैं थोड़ी फायर करने की कोशिश करता हूँ, साला मुझे लुढ़काने के लिए आगे बढ़ता है, तो मैं साइड होता हूँ। और इतने में मेरा जो टीममेट होता है वो साला किल चोरी कर लगा यहाँ पे मेरा, मैं लुढ़का दिया उसने उसको। मैं चाहता था मैं उसे मार देता लेकिन थोड़ा रिस्की था, अगर मैं वहाँ खड़ा होता कि उसे मारता तो वो मुझे गाड़ी से उड़ा देता, इसलिए मैंने गुस्से के मारे उसके एक बम करा, लेकिन साले को कुछ होता ही नहीं है इससे, देखना आप। डैमेज जरूर हो जाता है, वो डैमेज हुआ ठीक है, उसकी आधी हेल्थ हो गई। और उसके बाद से मैं यहाँ से लूटता हूँ गुस्से के मारे, जल्दी जल्दी से थोड़ा लूट के सोचता हूँ यहाँ से निकलता हूँ अब, और इसको लेके नहीं जाऊँगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा लूटता हूँ, पहले थोड़ा सा पेन किलर चबाता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी कम थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे कवर में आके पेन किलर चबाया जाए। जैसे पेन किलर खा के मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर मुझे गाड़ी मिल जाती है यहाँ से, और जो मेरा टीममेट है वो भी आ ही जाता है मेरे पास आखिर, तो मैं बिठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यहाँ से जाते हैं ड्रॉप पे, ड्रॉप हुआ था यहाँ पे, तो ड्रॉप के लिए हम जा रहे होते हैं। ड्रॉप ये हमारा पहला ही ड्रॉप था, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए थे और इधर थोड़ी फायरिंग भी हो रही थी, और हम आए तो हमने देखा, मैं तो कूद गया ड्रॉप पे और देखा तो लूटेड है, और मेरा जो ये मुझे लेकिन फायर हुआ यहाँ पे, किसी ने मुझे मारा। और ये देखो दो बंदा कवर ना कुछ ना कुछ, ये गाड़ी लेके मेरी चली गई, मुझे सामने बंदा दिखा, मैंने इसे आराम से बेच लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, हरा ड्रॉप लूट के यहाँ पे कैम्प कर रहा था। और ये देखो गाइस मेरे टीममेट को, यहाँ से मेरी गाड़ी तो ले ली, मुझे बचाया भी नहीं, मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया, और ये गाड़ी लेके पता नहीं क्यों इधर से उधर घूम रहा है, अगर बंदा आसपास होगा तो इसे टरका देगा, लेकिन मैं यहाँ ऊपर आता हूँ और इसे लूटता हूँ आराम से। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये लूटने के बाद यहाँ पे कैंप क्यों कर रहा था, वो कैंप कर रहा था इतना गंदा। लूटने के बाद गाइस मैं पट्टी लगाता हूँ, थोड़ा हीलिंग करता हूँ क्योंकि इसने मेरे को डैमेज कर दिया था। और वो देखो मेरा दो नंबर तो गाड़ी चला रहा है, इधर से उधर मान ही नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया है, बंदे भी लुढ़का रहा है बोटों को। मैं हीलिंग करता हूँ पहले, क्योंकि गाइस पास में ही रेड जोन भी था और गोले गिर रहे थे यहाँ पे, घबाघब गोले गिर रहे थे, पता नहीं चल रहा था मुझे कुछ भी, यहाँ पे वॉइस नहीं आ रही थी। और यहाँ पे गाइस देखो आप लोग सामने गाड़ी दी थी मुझे, मैंने यहाँ पे स्प्रे किया, डैमेज हुआ उससे,
वो यहाँ पे पूरा स्प्रे मैंने कर दिया लेकिन उसे कुछ भी पता, यहाँ पे पता यही है कि डैमेज बहुत सारा देना पड़ता है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो दो नंबर का देखो साला, उसके पीछे गाड़ी ले लेके भागने लगा। पता नहीं मुझे ये सब क्यों कर रहा है, साथ में लेके चलता तो उसे आराम से इजीली मार देते, लेकिन ये नहीं। मैंने यहाँ पे फिर से डैमेज दिया, पूरा स्प्रे उसकी गाड़ी पे लगा, लेकिन मैं यहाँ पे कवर में आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये वापस आ गया लेकिन नहीं आया। और ये साला क्या करता है, दो नंबर को ले जाता है पहाड़ी के पीछे, पहाड़ी के ऊपर लेके गया, पता नहीं क्यों लेके गया ये। और जब ये लेके गया तब जाके मैंने सोचा हेल्प करता हूँ, इससे बुलाता हूँ लेकिन ये आ जाएगा, लेकिन मैं ही इसको खुद को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ गई। मैं समझ गया था पहाड़ी के ऊपर लेके गया तो कुछ गलत ही करेगा ये, तो इसने क्या करा मेरे दो नंबर को निपटा दिया। मेरे लिए एक अच्छी बात भी थी क्योंकि मेरे फिर चोरा रहा था ये, फिर देखा तो बार फिनिश कर दिया इसने मेरी गाड़ी डैमेज की, फिर मैंने भी इसकी गाड़ी को तोड़ दिया लेकिन उसको डैमेज हुआ इसी के पीछे था क्योंकि, तो मैंने लिए अच्छी बात थी। अब इजीली इसको मार दूंगा और इसे मैंने मारा और तुरंत फिनिश किया क्योंकि इसने मेरे टीममेट को भी फिनिश कर दिया था, तो मैंने इसे फिनिश कर दिया। लेकिन अब मुझे गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी ख़त्म कर दी जिसने मेरी जला दी थी, तो वो डैमेज गाड़ी लेके जा नहीं सकता था मैं, तो यहाँ थोड़ा आसपास देखता हूँ कहीं तो मुझे कुछ बंदे वगैरह तो नहीं है इसका टीममेट वगैरह, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखता, तो मैं इसे लूट लेता हूँ पहले क्योंकि गाइस लूटना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर थोड़ा आसपास देखता हूँ मैं थोड़ा जल्दबाजी में क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था यहाँ पे, बंदे तो नहीं है आसपास कहीं पे। फिर मैं थोड़ा आगे आता हूँ और देखो जहाँ से मैं गया था अभी, जहाँ से मैं गया था वहीं से मुझ पर फायरिंग हुई अभी, जस्ट पता नहीं ये बंदा कहाँ पर फोन कर रहा था, और जिससे मैंने थोड़ा डैमेज दिया जिससे ये कवर में चले गया, इसी खड़े ही उसको लगा कि मैं इसे मार दूंगा, लेकिन इतनी दूर से मैं इसे नहीं मार पाता, तो मैं थोड़ा इधर आया पास में, और पास में आते ही देखो अभी से यहीं पे खड़ा होकर मुझे मारने लगा और मैंने इसे वहीं पे मार दिया। ये देखो पास से थोड़ा क्या है रिकॉइल कम हुआ और मैंने इजीली से मार दिया, दूर से नहीं मार पाता। और ये पता नहीं क्यों कवर में नहीं आ रहा था, एक जगह खड़ा होकर मुझे फायर कर रहा था, तो मैंने इजीली से मार दिया। अब मैं इसे लूटूंगा, अगर मैं टीममेट भी होता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन एक बंदा यहाँ पर है ये शायद बोट है, इसे मैंने मारने की कोशिश करी लेकिन नहीं मार पाया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं थोड़ा, और मेरी फट भी रही थी, मेन बात ये है। फिर मैंने इसे लूटा, मैं समझ गया था ये ऊपर आएगा जरूर, ये आता भी है और इजली इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। तो गाइस जब भी आप बंदों को मारो तो देखना कि उसका जो अपना एम है वो उसके हेड पे या उसकी बॉडी पे अपर साइड ही रहे, तो बंदा जल्दी किल हो जाता है। और थोड़ा आप मूवमेंट लेते रहो, जिगल जितना दोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि अब यहाँ पे कोई नहीं है, तो थोड़ा आगे आ जाता हूँ, और जैसे ही मैं आगे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे इधर फुट स्टेप आते हैं और गोली चलने की आवाज़ आती है, तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ पे बंदा है, मेरे पीछे तो बहुत था, तो इसे फिनिश किया। अब यहाँ पे मुझे फुट स्टेप आ रहे थे, ये देखो ये रहा बंदा यहाँ पे, ये भी कैम कर रहे हैं, पता नहीं यार ये क्यों करते हैं ऐसा। तो मेरी फट रही, दो बंदे हैं यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ चलो रश करते हैं अब ख़त्म करते हैं। जैसे ही मैं इधर आता हूँ, अरे यार ये मुझे ढूंढ रहा शायद, तो मैं सोचता हूँ चलो रश करता हूँ इधर से मार दूँगा इसको, मैं इधर से आएगा ये आता भी है, लेकिन जितने गाड़ी के कारण डैमेज कम होता है। और इसका दूसरा बंदा भी आ जाता है उसी टाइम पे, तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत कठिन हुआ था, लेकिन मैंने इसे जैसे तैसे नॉक कर दिया और मैं और कॉन्फिडेंट में आके देखो गन रीलोड भी नहीं करी और इसके ऊपर मैं फायर करने लगा। और